तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल निकल रहे हैं मार्च के लिए आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ और कार्यकर्ता भी पीछे पीछे मौजूद हैं। यहां आप देख रहे हैं हजारों की भीड़ मौजूद है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है दिल्ली पुलिस ने भी मोर्चा संभाल लिया है और आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त है, बैरिकेटिंग लगा दी गई। ये देखिए तस्वीरें आ गई हैं आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से निकलते हुए अरविंद केजरीवाल मार्च करते हुए। जितेंद्र भाटी जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, ओवर टू यू। से निकल रहे हैं और देखिए किस तरीके का हुजूम जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। एक चेन बनाई गई है जिसके अंदर अरविंद केजरीवाल मौजूद है, साथ ही साथ में उनके तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद है। टीवी 9 भारतवर्ष आपको एक एक तस्वीर दिखा रहा है एंगल से किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब सड़क पर पहुंचे हैं, सड़क मसले पहुंचे हैं। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के जो उनके नेता हैं उनको कर गिरफ्तार किया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं के साथ, मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ जो है सड़क पर उतरे हैं और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए यहां पर जा रहे हैं। और देखिए यहां पर भीड़ से आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से यहां पर अरविंद केजरीवाल, देखिए तस्वीरें कपिल दिखाइए किस तरीके से अरविंद केजरीवाल है, साथ में उनके संजय सिंह है, सौरभ भारद्वाज है और तमाम नेता जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल बीजेपी दफ्तर की तरफ जाने की कोशिश करते हुए, हालांकि पुलिस की तरफ से पहले ही कह दिया गया कि परमिशन नहीं है तो आगे नहीं जाने दिया जाएगा। तो ऐसे में अपने संबोधन के दौरान अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि आप जहाँ पर उनको रोकेंगे वहीं पर रुक जाएंगे अरविंद केजरीवाल और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे, हालांकि गिरफ्तारी के लिए आधा घंटा इंतजार जरूर करेंगे। तो आज ये कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि वो गिरफ्तारी का विरोध जो है वो इस तरीके से करती हुई नजर आए। तो ये फिर हम आपको दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से। वीडियो के सहयोगी कपिल बेदी के साथ जितेंद्र भाटी ने वातश दिल्ली। जितेंद्र भाटी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच आगे जाने की जिद है अरविंद केजरीवाल और बाकी आला नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। लेकिन पुलिस भी देखिए बैरिकेडिंग के साथ इस वक्त खड़ी हुई है और मोर्चा संभाले हुए आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले ही कहा कि हम आधे घंटे तक इंतजार करेंगे, हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, हम अपनी गिरफ्तारी देने जा रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय तक मार्च निकालने की योजना है लेकिन बीच में ही रोका जा रहा है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। सैकड़ों की तादाद में आप देख रहे हैं लोगों को, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को, आला नेता जो आम आदमी पार्टी के हैं अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभिजीत हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिजीत, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या हो रहा है? आगे बढ़ने की कोशिश तो हो रही है लेकिन पुलिस रोक भी रही है। जी बिल्कुल, भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री के जवान भी तैनात है और महिला सुरक्षा कर्मी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात की गई है। उसके अलावा अगर हम आपको बैरिकेडिंग के बारे में बात करें तो ये आम बैरिकेडिंग नहीं है, जो आमतौर पर बैरिकेडिंग होती है उससे ऊंची, यानी 7 फुट से ऊंची बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है ताकि बैरिकेडिंग को भी किसी तरीके से पार ना कर सके आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में यह स्पष्ट कहा कि जहां तक उन्हें जाने की अनुमति दी जाएगी वहीं तक वो जाएंगे, लेकिन अनुमति तो पार्टी के बाहर भी ये गैदरिंग करने की नहीं है। धारा 144 लागू है और दिल्ली पुलिस की तरफ से लगातार ये घोषणा भी की जा रही है कि किसी भी तरह से कोई गैदरिंग यहाँ पर नहीं हो सकती, कोई प्रोटेस्ट मार्च यहाँ पर नहीं हो सकता। बावजूद इसके इजाजत नहीं दी है, अनुमति नहीं दी है इस मार्च की, लेकिन फिर भी मार्च निकाला जा रहा है, जैसा कि अभिजीत ठाकुर हमें जानकारी दे रहे थे आम आदमी पार्टी दफ्तर से।